सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। आज तो बड़े खूबसूरत बुरके आ गए, डिजाइन वाले बुरके के जो न देखने वाला भी हो वो डिजाइन के बहाने नजर उठाए। ये बुरका नहीं बल्कि फितना है, फितना। आज से 900 साल पहले इमाम गजाली ने फतवा दिया था डिजाइन वाले बुरके पहनना नाजायज है। बुरके का मतलब क्या? बुरके भद्दे होने चाहिए, कोई डिजाइन उस पर नहीं। बुरके भद्दे होने चाहिए। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, हजरत आयशा सिद्दीका अम्मी जान कहती है, हुजूर के दौर में लोग ऐसे बुरके पहनती थी कि ऐसे लगते थे जैसे उनके सरों पे कौवे बैठे हुए, बिल्कुल भद्दे बुरके। अंदर पता ही नहीं चलता था कि जाने वाली जिस्म मोटा रखती है या पतला रखती है, बूढ़ी है कि जवान है, इस तरह के उनके बुरके। और फरमाती है कि औरतें ऐसे चलती थी रसूलुल्लाह के दौर में कि उनके कपड़े दीवार से लगते थे, इतनी इतने दब के चलती थी दीवार से लगते थे। और आज तो औरतें बेपर्दा दस्तों के बीच मौलाना आए, आलिम आए, पीर आए, खतीब आए, अदीब आए, जज आए, डॉक्टर आए, उन्हें क्या पड़ी है? मर्द रुक जाना चाहिए, वो नहीं रुकेंगे। ये हाल है आज। फिर जहन्नम उनका इस्तकबाल न करेगी तो किसने करना है? एक दिन उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका को किसी ने देखा कि मताफ के किनारे किनारे से तवाफ कर रही है, मताफ के बिल्कुल किनारे से दीवार से लग के यानी काबे से दूर तवाफ कर रही है। और किसी ने कहा उम्मुल मोमिनीन आपसे बढ़कर फकी कौन होगा इस वक्त औरतों में कि आपको हुजूर की हदीस नहीं पहुंची कि काबे के करीब से तवाफ करना अफजल है? आप तक हुजूर की हदीस नहीं पहुंची कि काबे के करीब से तवाफ करना अफजल है, आप दूर से कर रही हैं। फरमाया जाओ, हम तक हदीस पहुंची और हमें पता है क्योंकि हमने हुजूर के साथ हज किया। कितने खुश नसीब है वो 1,24,000 नफूस जिन्होंने मेरे नबी के साथ काबे के काबा के साथ उन्होंने काबे का तवाफ किया। क्या वो नसीबे वाले थे जिन्होंने काबे के साथ तवाफ काबा किया? हाजी आओ, शहंशाह का रौंदा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, गौर से सुन रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रौंदा देख। कजा हमने हुजूर के साथ हज किया है और तू कहता है कि हुजूर का फरमान है कि काबे के करीब से तवाफ करना अफजल है। सुन ले, मैं औरत हूं, मुझे काबे के करीब से तवाफ करने से अफजल ये लगता है कि मैं अपनी आबरू को बचा करके तवाफ करूं, मैं अपनी इज्जत के तहफ्फुज़ के साथ। ये है इस्लाम की तालीम।